हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम अपने चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, उसी के जो पेज नंबर मतलब दो जगह दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स, तो हम पेज नंबर 27 पे जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पिछले वाले कर चुके हैं जैसे, तो इस वीडियो में देखिए बेटा, वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर्स। 1 का आंसर आपकी बुक के पीछे दे रखा है, 2 का आंसर होगा आयोडीन सॉल्यूशन। नेम द सॉल्यूशन विच कैन बी यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड, तो आयोडीन सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। बाकी 3rd, 4th, 5th के भी दे रखे हैं आंसर्स, ठीक है। जिनके आंसर दे रखे हैं उनके मैं नहीं करवा रही हूँ, और जिन जिनके आंसर आपकी बुक में नहीं है उनके मैं आपको बता रही हूँ। पिक भी मैं इसकी भेजूँगी। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, उसका आंसर भी आपकी बुक में नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, नेम द न्यूट्रिएंट्स हुज डिफिशेंसी काज मैरेस्मस डिजीज इन द चिल्ड्रन, तो मैरेस्मस जो डिजीज होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है बेटा। नेक्स्ट है आपका जो क्वेसियर कोर डिजीज है, वो पूछ रखा है, तो वो प्रोटीन, ओनली प्रोटीन की डिफिशेंसी से क्वेसियर कोर डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 9 है, व्हाट इज़ द काज ऑफ द डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, स्कर्वी नाम की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, तो मैंने यहाँ लिखवाया आपको डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 डिजीज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन ए डाइट, आयोडीन की कमी से होने वाले 2 जो डिजीज हैं वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है केराटिनिज्म एंड सेकेंड है गोइट्री, दोनों ही, ठीक है। इसके बाद 11 के और 12 के आंसर आपकी बुक में पीछे दे रखे हैं बेटा। 13 का मैं बताती हूँ आपको, देखिए ये हैं आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट कंप्लीट हुए, वेरी शॉर्ट 12 तक थे, तो आप इनको कर लेना, चाहे तो बुक में कर लेना या फिर आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, जिसका आंसर आपके वेरी शॉर्ट में नहीं है। आज मैं आपको 13 से 21 तक की शॉर्ट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो देखिए फर्स्ट 13 वाला क्वेश्चन आपका, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए गिवन सैंपल ऑफ फूड मटेरियल, जो आपको दिया गया है फूड मटेरियल उसमें आप किस प्रकार से किसका फैट के प्रेजेंस का पता लगाएंगे, तो रब करेंगे आप उस स्मॉल क्वांटिटी में उस फूड आइटम की, स्मॉल क्वांटिटी लेकर एक पेपर पे, ब्राउन पेपर लेके, ड्यूरिंग द पेपर इन द सनलाइट, फिर सॉरी ड्राइंग, कुछ समय के लिए उन्हें सुखाएंगे उस पेपर को उसके ऊपर रब करने के बाद। ऑन द ऑयली पेजेज ऑब्जर्व, उसके बाद आपको एक ऑयली धब्बा सा दिखाई देगा, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट, यही फैट का कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 1 टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड, आप प्रोटीन का टेस्ट किस तरह से करेंगे, किस में, किसी भी एक फूड आइटम में आपको बताना है। तो क्या किया गया है यहाँ देखो, टेक 2 ml ऑफ मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में 2 ml मिल्क ले लें, उसमें ऐड करें क्या कुछ मात्रा में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसके बाद देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएं, वॉयलेट कलर अपीयर्स, आपको अगर वॉयलेट कलर अपीयर हो जाता है इन द सॉल्यूशन तो दिस शो दैट द मिल्क कॉन्टेंट्स प्रोटीन, तो यही प्रोटीन का टेस्ट होता है कि मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड, किसी भी फूड आइटम में आप स्टार्च का पता कैसे लगाएंगे, तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके लिए कि फ्रेश पोटैटो को कट कर लीजिए, कटे पोटैटो इनटू 2 pieces विद ए नाइफ, ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पोटैटो पीस, ए ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स ऑन द कट सरफेस ऑफ द पोटैटो, दिस शो दैट पोटैटो कॉन्टेंट स्टार्च, यही शो करता है कि पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आर पुट ऑन द कट सरफेस ऑफ द रॉ पोटैटो, व्हाट डज इट शो, तो ये शो यही करेगा कि ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा, उसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है पोटैटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, तो उसमें क्या बताया आपको कि हाउ विल यू शो दैट द फ्लोर कॉन्टेंट स्टार्च,
आप बताएंगे कि आटे में भी क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो आप करेंगे टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट विद ए लिटिल ऑफ वाटर एंड ऐड टू या थ्री ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द मिक्सचर ऑफ द फ्लोर एंड वाटर, तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा, उसका मतलब है ये शो करेगा कि स्टार्च प्रेजेंट है आपके जो आटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हाउ विल यू शो द ग्राउंड नट्स कॉन्टेंट फैट, आप किस तरह शो करेंगे कि ग्राउंड नट या मूंगफली में क्या होता है फैट होता है। इसके लिए क्रश द ग्राउंड नट ऑन ए ब्राउन पेपर, रिमूव द क्रश ग्राउंड नट किरण्स फ्रॉम द पेपर एंड होल्ड द पेपर टुवर्ड्स लाइट, ए नंबर ऑफ ब्राइट एंड ग्रेसिप स्पॉट्स आर सीन इन द पेपर ऑन द पेपर इज शो दैट द फैट आर प्रेजेंट इन ग्राउंड नट। ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, 20 और 21। इतने क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम द मटेरियल हुज डिफिशेंसी कॉज एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की डिफिशेंसी से क्या होता है एनीमिया डिजीज़ होती है, और सिम्टम्स बताने हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं एनीमिया की। तो जिस पर्सन में एनीमिया होता है वो पर्सन लुक पैल पीला पड़ जाता है, फील वेरी वीक टायर्ड, उसको थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, इजीली लॉस वेट, उसका वेट कम हो जाता है और नेल्स उसके वाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हुज नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट इन रिलेशन टू द बॉडी वेट, ए ग्रोइंग चाइल्ड ओवर ए ग्रोवन अप मैन, एक बढ़ते हुए बच्चे को या फिर जिसका विकास हो चुका है उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप सभी को पता है कि एक ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट देन ए ग्रोवन अप मैन बिकॉज ग्रोइंग चाइल्ड एक्स्ट्रा प्रोटीन इज नीडेड टू मेक द बॉडीज टिश्यू, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसके टिश्यूज वगैरह बन रहे होते हैं इसलिए उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क डिफर फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क, तो जो हार्ड वर्क करता है उसकी डाइट में और उसकी डाइट में दोनों में डिफरेंस होता है, क्यों, क्योंकि जो फिजिकल हार्ड वर्क करता है उसकी डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसीलिए जो नॉर्मल वर्क करता है उसे जो हार्ड फिजिकल वर्क करता है उसको डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी गिविंग फूड उसकी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए। तो यही थे आज के 21 तक के क्वेश्चंस, आप इनको फेयर नोटबुक में राइट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा, आज का होमवर्क यही रहेगा। बाय बच्चों।